अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल यूनिट 14, एनर्जी साउंड। एनर्जी मीन कुव्वत, साउंड मीन आवाज़, यानी के आवाज़ की ताकत। इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट, I hope you all enjoyed your winter vacation. Dear student, as you all know that your winter vacation has finished now, it's a time to consider our studies. Dear student, you all know the month of Jan start. First, you make title page month of January and then make a title page unit number 14 on your book page 157. Dear student, in this unit, first we talk about sound. Hum is sabak mein padhenge ke sound yani ke आवाज़ क्या होती है। एंड देन वी डिस्कस अबाउट इट्स वाइब्रेशन, के वाइब्रेशन क्या होती है और किसी भी आवाज़ से इसका क्या ताल्लुक होता है। देन वी डिस्कस अबाउट मीडियम टू ट्रेवल, वो कौन से मीडियम्स हैं जिनसे आवाज़ पार होकर या जिनसे टकरा कर वापस आती है। After the discussing medium, we talk about the sounds travel through lights and solid. यहाँ पर हम बात करेंगे कि light किस तरीके से solid या liquid के through पार होती है या वापस पलट कर आती है। My dear student, I hope you understand your previous chapter. Now start our chapter. Open your book page 157. My dear student, first we talk about sound. We live in a world full of sound, the sound of the morning alarm. हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर तरफ आवाज़ें हैं, सुबह के अलार्म की आवाज़, the chirping of birds, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, द वॉइस ऑफ पेरेंट्स आस्किंग चिल्ड्रन टू गेट आउट ऑफ दियर बेड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमारे माँ बाप की आवाज़ जब वो हमें जगा रहे होते हैं कि हम बिस्तर छोड़ दें और स्कूल के लिए तैयार हो जाएं। द टीचर टीचिंग अस इन क्लास, वो आवाज़ जब टीचर हमें क्लास में पढ़ा रही होती है। द हॉर्न्स ऑफ द कार्स एंड बसेस ऑन द रोड, और उन हॉर्न्स की आवाज़ जो कि कार और बसेस के बजते हैं रोड के ऊपर। द बार्किंग ऑफ डॉग्स, द सॉन्ग्स फ्रॉम आवर रेडियो और टेप रिकॉर्डर, सड़क पर भौंकने वाले कुत्तों की आवाज़ और हमारे घरों में बजते हुए रेडियो और टेप रिकॉर्डर की आवाज़। आर सम ऑफ द साउंड्स वी कीप ऑन हियरिंग एवरी डे, ये सब वो आवाज़ें हैं जो हम रोज़ाना सुनते हैं। Some of these sounds are pleasant while other are unpleasant. इनमें से कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो pleasant होती हैं, जबकि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना खुशगवार होती हैं। The unpleasant sound as noise, हम ना खुशगवार आवाज़ों को noise का नाम देते हैं, यानी कि शोर का। Dear student, sound is एसोसिएट विद द वाइब्रेशन, हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे कि साउंड एसोसिएट करती है वाइब्रेशन से। टू गेट अ डेफिनेशन ऑफ साउंड, लेट अस फर्स्ट टेक अ क्लोजर लुक एट एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। इट्स टर्न्स आउट द व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूसिंग साउंड, इट हैज़ अ टू एंड अ फोर मोशन और इट्स वाइब्रेशन। आवाज़ें हमेशा वाइब्रेशन से पैदा होती हैं और ये वाइब्रेशन उस वक्त पैदा होती है जब हम किसी चीज़ को हरकत देते हैं,
वी मेक साउंड्स बाय मेकिंग थिंग्स मूव। हम किसी भी आवाज़ को उस वक्त पैदा करते हैं जब किसी भी चीज़ को इधर से उधर करते हैं, यानी कि उसको हरकत देते हैं। टू एंड फोर बाय मेकिंग देम वाइब्रेट वी मे डू द फॉलोइंग सिंपल एक्टिविटी। हम ये बात एक एक्टिविटी के ज़रिए भी शामिल कर सकते हैं। आप अपने बुक नंबर 157 के ऊपर एक एक्टिविटी को देखें जिस पर टेबल पर एक स्केल रखा गया है। अपने उल्टे हाथ से उस टेबल को दबाकर सीधे हाथ को जो हम स्केल को टच करते हैं और ज़ोर से उसको हिलाते हैं तो एक वाइब्रेशन सी पैदा होती है और ये वाइब्रेशन साउंड पैदा करती है। ओके, नाउ कम टू योर पेज नंबर 158। आप अपने 158 पेज पर आएँ। इसमें आपको साफ दिखाया गया है कि रबर बैंड को जब हम खींचते हैं और उसको जब हम आगे की तरफ दबाकर फेंकते हैं तो एक आवाज़ सी पैदा होती है। इट दस अपीयर दैट मेकिंग समथिंग वाइब्रेट इज़ एन एसेंशियल प्रोसीक्यूट फॉर गेटिंग साउंड। समटाइम्स हाउएवर इट्स अपीयर दैट वी आर गेटिंग साउंड व्हेन नथिंग परहैप्स इज वाइब्रेटिंग। बाज़ अक़ात ऐसा भी होता है कि बिना वाइब्रेट के भी आवाज़ हम तक पहुंचती है। वॉट अबाउट द साउंड्स वी ऑल मेक और द साउंड्स प्रोड्यूस बाय एनिमल्स। उन आवाज़ों में क्या फ़र्क है जो कि हम पैदा करते हैं या फिर हमें किसी जानवर से कोई साउंड प्रोड्यूस होती है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यानी कि चिड़ियाँ और छोटे मोटे कीड़े मकौड़े जो आवाज़ पैदा करते हैं। वी हैव टू वोकल कॉर्ड्स, हमारी टू वोकल कॉर्ड्स होती हैं स्ट्रेच अक्रॉस अ वॉइस बॉक्स इन आवर थ्रोट, जो कि हमारे वॉइस बॉक्स में हमारे हलक के अंदर होती हैं। व्हेन आवर लंग्स फोर्स या थ्रो देम, जब हमारे फेफड़ों से आवाज़ निकल कर वहाँ तक पहुँचती है, दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, तो वो वाइब्रेट करती हैं और इस तरह साउंड यानी कि आवाज़ पैदा होती है। सम एनिमल्स ऑल्सो मेक साउंड विद द हेल्प ऑफ देयर वॉइस बॉक्स, कुछ एनिमल भी ऐसे होते हैं जो अपनी वॉइस बॉक्स के ज़रिए आवाज़ पैदा करते हैं। ऑल एनिमल्स डू नॉट नेसेसरली हैव अ वॉइस बॉक्स, ये ज़रूरी नहीं है कि हर जानवर का एक वॉइस बॉक्स हो। वाइल क्रॉकिंग फ्रॉग पप ऑफ देयर थ्रोट लाइक अ बलून, जैसे कि आप एक मेंढक को देखते हैं कि वो अपने हलक को फुलाकर बलून की तरह आवाज़ पैदा करता है। हाउएवर बीज हैव नो वॉइस बॉक्स, इसी तरह मक्खियों में भी कोई वॉइस बॉक्स नहीं होता। दे मेक साउंड बाय मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन वेरी फास्ट, मक्खियां जो हैं अपने परों को तेज़ तेज़ ऊपर नीचे कर एक आवाज़ पैदा करती हैं। बाय मूविंग देयर विंग्स अप एंड डाउन वेरी फास्ट वी दस सी द साउंड इज अ कंस्यूज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ समथिंग और द अदर, दिस लीड्स अस टू कंसोलेशन, ये हमें हमारा एक तरीके का निचोड़ है जिससे हमें ये बात जाहिर हुई कि ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ वाइब्रेशन के ज़रिए ही हम तक पहुँचे। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर और एनी अदर मटीरियल मीडियम इट इज़ द सोर्स ऑफ साउंड। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि वाइब्रेशन की एक स्टेज होती है, एक स्टेट होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ के लिए मीडियम का होना, मटेरियल मीडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ अ प्रोड्यूस ऑफ सेंसेशन, ये सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ये साउंड जो होती है सेंसेशन ऑफ हियरिंग भी होती है, यानी कि हमारे कानों में झंझनाहट पहले पैदा करती है फिर आवाज़ हम तक पहुँचती है। इज़ एन ऑब्जर्व यस बट वी विल नेवर लेस असर्ट दैट साउंड इज़ प्रेजेंट इन द मीडियम, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि साउंड जो होती है किसी भी मीडियम के थ्रू पैदा होती है। यहाँ तक हमने आपको बताया कि एनिमल्स के ज़रिए भी उसके वॉइस बॉक्स के ज़रिए हम तक आवाज़ पहुँचती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जानवर के अंदर
वॉइस बॉक्स हो और वो इस तरह हम तक आवाज़ पहुँचाए। जिससे हमने आपको मक्खियों की मिसाल दी कि मक्खियाँ जो हैं अपने परों को हिलाकर तेज़ तेज़ अपने परों को हिलाकर आवाज़ पैदा करती हैं। इसी तरह मेंढक की मिसाल आपको दी कि वो अपने थ्रोट को एक बलून की तरह फैलाकर आवाज़ पैदा करता है। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इन ईयर इट इज़ द सोर्स ऑफ साउंड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ जो होती है वो हवा में वाइब्रेट पैदा करता है तो इससे साउंड जो होती है वो पैदा होता है। और कोई भी मीडियम जो है वो सोर्स ऑफ साउंड है, यानी कि उसके ज़रिए साउंड यानी कि आवाज़ पैदा होती है। द साउंड्स मे और मे नॉट प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज एन ऑब्जर्व्स हियर बट वी विल नेवर डेसलेस अरेस्ट दैट अ साउंड इज प्रेजेंट इन अ मीडियम। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि साउंड जो होती है वो मीडियम से प्रेजेंट होती है। साउंड इज दस अ कंफ्यूजन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग इज अ मटीरियल मीडियम। आपको अपने पेज नंबर 158 की तरफ देखना है कि इसमें जो मैं लास्ट आपका पैरा पढ़ रही हूँ उसमें आपको बताया है कि मीडियम के ज़रिए किसी भी आवाज़ को पैदा करने के लिए मीडियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ वी नो दैट द साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम एनी सोर्स इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम वाइब्रेशन अकर्सिंग इन इट। यहाँ आपको बता रहे हैं कि किसी भी साउंड को जो प्रोड्यूस होती है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो वाइब्रेशन के ज़रिए पैदा होता है। एवरी साउंड इज करेक्टराइज बाय इट्स फ्रिक्वेंसी। हम हर साउंड को करेक्टराइज करते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे के साथ कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, यानी कि वो कितनी देर तक आगे तक पहुँचती है। इंटेंसिटी एंड क्वालिटी, उसकी इंटेंसिटी क्या है एंड उसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि वॉइस की साउंड की क्वालिटी क्या है और ये किस हद तक और किस मीडियम तक आगे सुनाई देती है या क्लियर सुनाई देती है। द साउंड प्रोड्यूस बाय द बजिंग ऑफ मॉस्किटो। साउंड जो है वो मॉस्किटो के ज़रिए भी आप तक सुनाई देती है कि किस तरीके से जब मॉस्किटो बजिंग करता है अपने परों को जोर जोर से हिलाता है तो भी साउंड पैदा होती है। एज हायर फ्रिक्वेंसी देयर द फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द रोइंग ऑफ द लाइन। अब मक्खियों के परों के हिलाने की जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा जो उसके अंदर फ्रिक्वेंसी होती है वो लाइन के यानी कि शेर के धारने की आवाज़ होती है। वी कैन रिकोगनाइज द साउंड ऑफ द पर्सन बिकॉज साउंड प्रोड्यूस बाय एन इंडिविजुअल एज अ सम रिकोगनाइजेबल फीचर इन इट। ये उसी वक्त मुमकिन है जब उसके अंदर रिकोगनाइजेबल फीचर्स होते हैं, यानी कि ये इसलिए होता है कि हम हर एक अलग-अलग किसी की आवाज़ उसके फीचर्स के ज़रिए पहचान सकें कि ये शेर की आवाज़ है या मक्खी की आवाज़ है। द डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार गिटार वॉलियन प्रोड्यूस डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ साउंड। जैसे कि मैंने आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया कि हर एक की क्वालिटी ऑफ साउंड डिफरेंट होती है, यानी कि अगर हम ढोल को पीटते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। इसी तरह अगर हम गिटार या वॉलियन बनाते हैं तो उसकी जो साउंड होती है बहुत ज़्यादा मधुर और बहुत ज़्यादा धीमी होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द साउंड रिक्वायर द मीडियम टू ट्रेवल। अब हम यहाँ बात करेंगे कि किसी भी साउंड को रिक्वायर होता है मीडियम टू ट्रेवल सफ़र करने के लिए, यानी कि कोई भी आवाज़ जो हम तक पहुँचती है वो अपने मीडियम के ज़रिए ही ट्रेवल करके हम तक पहुँचती है। वी हैव लर्न दैट वी एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इज प्रोड्यूस साउंड व्हेन द वाइब्रेटिंग बॉडी इज प्लेस इन एयर इट आल्सो मेक द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर क्लोज टू द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर देन ट्रांसफर देयर वाइब्रेशन। ये जब हम किसी बात को बोलते हैं तो हवा में उसके मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं और जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट के करीब आता है तो फिर क्लोज होकर एक साउंड बन जाती है। देयर वाइब्रेशन टू द मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट टू देम एंड सो ऑन इन दिस वे दिस वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर स्ट्रिक द हेयर ड्रम। और जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे हेयर ड्रम से टकराते हैं एंड वी हेयर साउंड तो फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है।
इसके लिए आपको हमने आपके बुक नंबर 158 में एक एक्टिविटी भी करके दिखाई गई है, जिसमें आपको एक बेल जार चाहिए, वैक्यूम पंप चाहिए और आपको एक बेल चाहिए। कनेक्ट द बेल टू द बैटरी सो दैट इट स्टार्ट रनिंग। हमें बैटरी को बेल को स्टार्ट करने के लिए एक बैटरी की ज़रूरत होती है कि वो बज सके। अरेंज द बेल जार अराउंड द बेल। हम बेल जार को बेल के अंदर अरेंज करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। इट्स टू अ पम्प वैक्यूम पम्प। ये एक वैक्यूम पम्प की तरह काम करती है। स्टार्ट द वैक्यूम पम्प सो दैट इट स्टार्ट एवर एवोकेटिंग एयर फ्रॉम द जेल जार। कीप ऑन ऑब्जर्विंग द साउंड ऑफ द रनिंग बेल ऑल द टाइम। हम ये देखेंगे कि इस तरह करने से बेल की जो आवाज़ है वो मुसलसल आती रहती है। आपने अपने घरों की बैलों में देखा होगा कि हम जब बैल पर हाथ रखते हैं और उसको उठाते नहीं हैं तो आवाज़ इस तरह कंटिन्यूली जारी रहती है और हमें बैल की आवाज़ आती रहती है। नाउ स्टूडेंट, इन दिस पेज वी टॉक अबाउट साउंड ट्रेवल थ्रू द लिक्विड एंड सॉलिड ऑल्सो। यहाँ हम बात करेंगे कि साउंड जो है, आवाज़ जो है, ट्रेवल करती है, सफ़र करती है थ्रू द लिक्विड एंड साउंड सॉलिड्स, यानी कि माया के ज़रिए और किसी भी एक हार्ड चीज़ के ज़रिए। वी फाइंड दैट साउंड ट्रेवल नॉट ओनली थ्रू गैसेस लाइक एयर बट ऑल्सो थ्रू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हम यहाँ देखेंगे कि ट्रेवल थ्रो करती है सिर्फ हवा के ज़रिए, ये गैसेस के ज़रिए नहीं, बल्कि ये पानी के ज़रिए, किसी भी लिक्विड के ज़रिए और सॉलिड के ज़रिए भी हम तक पहुँचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन ईज़ली चेक दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रो लिक्विड ऑल्सो। हम ये बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि साउंड के आवाज़ हम तक ट्रेवल करती है लिक्विड के ज़रिए भी। सपोज़ वी टेक टू वुडन ब्लॉक्स और टू स्टोन एंड द स्टिक डैम टुगेदर। हमने दो लकड़ी के टुकड़ों को, ब्लॉक्स को लिया या दो स्टोन के ब्लॉक्स को लिया और उनको जब आपस में टकराया तो इससे आवाज़ पैदा हुई। वी हियर द साउंड प्रोड्यूस। हमने देखा कि इन दोनों को स्टिक करने से आवाज़ पैदा हुई। स्टूडेंट, वॉट डू वी ऑब्जर्व। आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ क्या देखा। वी कैन गेट अ क्लियर साउंड। वॉट डू यू कंक्लूड। आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आप इससे क्या अक्स करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्लियरली इन द सेकेंड केस द साउंड रीच अस थ्रू वाटर। इसी तरह हम ये भी जाहिर कर सकते हैं कि साउंड जो है वाटर के ज़रिए हम तक पहुँच सकती है। दिस शो द लिक्विड कैन ऑल्सो ट्रांसमिट साउंड। यानी कि लिक्विड भी वो मीडियम है जिसके ज़रिए आवाज़ हम तक पहुँचती है। वी दस रियलाइज द साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अब हम यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि साउंड रिलीज़ होती है जब, तो वो उसके लिए अपनी प्रोपोगेशन को, यानी कि साउंड पैदा करने को ये किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है। द साउंड कैन बी गैस। साउंड के लिए, साउंड के मीडियम के लिए गैस भी हो सकती है, अ लिक्विड और अ सॉलिड। ये माया के लिए के तौर पे भी हमारे मीडियम हो सकता है और सॉलिड के ज़रिए भी हमारा मीडियम हो सकता है, जो कि आवाज़ पहुँचाने में हमारी मदद करता है। We observe the passage of the sound through solid in vibrating of variety of ways. यहाँ आपको बताया जा रहा है कि हम observe करते हैं कि passage of sound through solids in a variety of ways. हमें कई किस्म की varieties यानी कि किस्मों के ज़रिए sound जो है solid में हम तक पहुँचती है। You must have heard the person living near railway track often press their ears against the track to know can predict the arrival of the train long before it is seen or heard in the air. अब ये आपको बता रहे हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेलवे स्टेशन की मिसाल ले लें, वहाँ से आवाज़ सुनते हैं, हम अपने कान जब बंद कर लेते हैं, लेकिन
हमें फिर भी ज़मीन पे अगर हम पांव रखते हैं तो उसके ज़रिए भी हम वाइब्रेशन के ज़रिए ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि रेल आ रही है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मूविंग व्हील ट्रेवल्स, साउंड जो है, आवाज़ जो है, मूविंग व्हील के ज़रिए भी हम तक सफ़र करती है और हम तक पहुंचती है। सी एन एक्टिविटी ऑन योर बुक पेज 159 टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे कि साउंड किस तरह सॉलिड के ज़रिए हम तक पहुंचती है। यू विल नीड अ वॉच a ruler, some cotton, keep a watch on the table and hear its tick। ये आपको बता रहे हैं कि आप एक वॉच लें, एक रूलर लें और कॉटन लें जो कि अपने कान में रख दें। कीप अ वॉच ऑन द टेबल, और मेज़ पे अपनी वो वॉच रख दें एंड हियर इट्स टिक, उसकी टिक टिक की आवाज़ सुने। सो दैट यू डू नॉट हियर द टिकिंग एनी मोर, हमें अब उसकी टिक टिक की आवाज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट होल रूलर बिटवीन योर टीथ एंड पुट इट्स अदर एंड अगेंस्ट द टिकिंग वॉच मच फास्टर थ्रू द ट्रैक। इट इज़ देयर फॉर हर थ्रू द ट्रैक मच बिफोर इट इज़ हर थ्रू द एयर। अभी से जाहिर हुआ कि हवा के ज़रिए हम तक इसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, यानी कि घड़ी की टिक टिक की, लेकिन हमने उस पर रूलर लगा रखा और उसको अपने दांतों के बीच में दबाया तो हमें घड़ी की टिक टिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देने लगी। दिस शोज दैट ट्रैवल साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू द एयर, ये हमें बताता है कि हवा के ज़रिए जो साउंड जो है ट्रैवल करती है उसकी स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वी कैन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटी दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। ये हमारी एक सिंपल सी मिसाल थी जिसमें हमने आपको बताया कि आवाज़ जो है सॉलिड के ज़रिए सफ़र करते हुए हम तक पहुँचती है। यू विल ऑब्जर्व दैट द साउंड इज़ हर्ड व्हेन द रूलर टचेज़ द वॉच, हमने आपको ये बताया कि जब हमने रूलर उसके ऊपर रखा और अपने कानों में उंगलियाँ दे दी और रूई लगा दी तो हमें आवाज़ सुनाई हेयर के ज़रिए नहीं दी, लेकिन हमने जब रूलर रखा वॉच के ऊपर तो हमें उसकी टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। इसमें भी कंक्लूड इन द फर्स्ट केस द साउंड ऑफ द टिकिंग वॉच रीच अवर हेयर थ्रू ईयर, इन द सेकेंड केस इट रीच देम थ्रू द रूलर एंड द टी। फॉर दिस वी इन्फर द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ये हमें बताने का मकसद ये था, इस एक्टिविटी का मकसद ये था कि आपको हम बता सकें कि ये साउंड जो है वो सॉलिड के ज़रिए भी हम तक पहुँचती है, खाली ईयर के ज़रिए नहीं पहुँचती। नाउ द सेकेंड एक्टिविटी इज़ दैट टू शो द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, हम आपको ये बताएंगे कि साउंड हम तक लिक्विड के ज़रिए भी फैल सकती है। नाउ वी डू दिस एक्टिविटीज़ ऑन योर बुक पेज 160, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने एक खिलौने को पानी से एक भरे हुए टब में डाला। प्लास्टिक बैग एंड सील द बैग यूजिंग अ कैंडल, हमने प्लास्टिक बैग लिया और उसको सील कर दिया कैंडल डाल के। टेक केयर डू नॉट बर्न योर कैंडल, से उसको सील कर दिया। टेक केयर डू नॉट बर्न योर फिंगर्स, लेकिन जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आपकी उंगलियां जल ना जाएं। फिल अ बकेट विद वाटर, हमने उस बाल्टी को उस टब को पानी से भर लिया। एंड प्लेस द बैग इन द वाटर, और उस बैग को उस पानी के अंदर डाल दिया। स्क्रूड्राइवर, उसको हमने थोड़ा सा दबाया, निचोड़ा। कैन यू हियर द साउंड, हमें एक आवाज़ सुनाई दी। प्लेस योर ईयर अगेंस्ट द साइड ऑफ द बकेट, हमने अपने कान को बकेट के साइड पे लगाया। एंड स्क्विश द टॉय अगेन, और हमने स्क्विश किया टॉय को, यानी कि उस खिलौने को दोबारा। इन विच केस डिड यू हियर द साउंड बेटर, क्या हमें आवाज़ ज़्यादा बेहतर सुनाई दी। साउंड ट्रेवल इन लिक्विड बेटर देन इन ईयर, साउंड जो है वो ईयर पानी में ज़्यादा बेटर तौर पे हमें सुनाई देती है देन इन ईयर बनिस्बत हवा के।
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इवन थ्रो साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड स्पीड थ्रो एयर इज ऑल्सो क्वाइट लार्ज। जिस तरह की आवाज़ सॉलिड और लिक्विड के जरिए हम तक पहुंचती है, इस स्पीड थ्रो एयर उसकी आवाज़ हवा के जरिए इज ऑल्सो क्वाइट लार्ज, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। वी नाउ नो दैट इट टेक अबाउट 3 सेकेंड टू गो ओवर अ 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन एयर। यहाँ हम आपको आवाज़ की रीच का बता रहे हैं कि 3 सेकेंड्स के अंदर आवाज़ कहीं से भी आ रही हो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से, तो वो हवा में हम तक 3 सेकेंड में पहुंच जाती है। बिकॉज ऑफ दिस हाई स्पीड इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेजर द साउंड ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन अर्ली डेज। पहले ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कि हम साउंड की स्पीड को मेजर कर सकें। द मेथड यूज वर आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला। हम इसके लिए आपको एक फार्मूला बताएंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। एक आवाज़ की स्पीड देखी, फिर उसका डिस्टेंस देखा कि वो कितने रकबे से आ रही है, कितनी लॉन्ग डिस्टेंस है उसका, और उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया टाइम में। टू मेक यूज ऑफ दिस फार्मूला 2 पर्सन वर स्टेशन 7 किलोमीटर अपार्ट। व्हेन वन फायर हिज गन द अदर स्टार्टेड हिज स्टॉपवॉच। हमने देखा कि इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि दो आदमी हैं जो कि उनमें से एक गन का फायर करता है और दूसरे के हाथ में स्टॉपवॉच है। जैसे ही वो फायर करता है वो स्टॉपवॉच को रिलीज कर देता है, तो इससे हम टाइम हासिल करते हैं कि एयर के ज़रिए कोई आवाज़ कितनी देर तक हम तक पहुँची। द अदर स्टार्ट हिज स्टॉप वॉच एट द इंस्टेंट वी सॉ द फ्लेयर। वी वुड स्टॉप इट व्हेन इट हर्ड द साउंड ऑफ द गन। हमने उस स्टॉप वॉच को उस वक्त स्टॉप कर दिया, उसके साउंड को बंद कर दिया जब गन की आवाज़ हम तक पहुँच गई। सिंस लाइट्स टेक पर्टिकुलरली नो टाइम टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। अब जहाँ तक लाइट का सवाल है, वो ज़ाहिर बात है कि वो कोई भी टाइम नहीं लेती। द ऑब्जर्व टाइम इंटरवेल वॉज टेकिंग एज अ टाइम टेकन बाय साउंड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ दियर सेपरेशन। अब जहाँ तक आवाज़ का ताल्लुक है, वो किसी चीज़ से निकलकर हवा में होती हुई हम तक कितने अरसे में पहुँचती है, ये बात हम किसी भी स्टॉपवॉच के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। फ्रॉम दिस स्पीड ऑफ साउंड कुड बी ईजली कैलकुलेट। अब इस तरह हम किसी भी आवाज़ की स्पीड को कि वो हवा में से होती हुई कितनी देर तक हम तक पहुँचती है कैलकुलेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यू नो दैट कोई भी आवाज़ जो भी हम तक आती है वो उसके मीडियम से हमने आपको बताया कि या तो एयर होती है या सॉलिड होती है या फिर लिक्विड होता है। द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड फाउंड वॉज नियरली 330 मीटर पर सेकेंड थ्रो एयर। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी साउंड नियरली 330 मीटर रकबे से होती हुई पर सेकेंड में हम तक पहुँचती है। थ्रो वाटर इज एज मच अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड। और ये 1500 पर सेकेंड पहुँचती है किसके ज़रिए, पानी के ज़रिए। वाई थ्रो स्टील इट इज़ हाई एज 5000 to 6000 मीटर पर सेकेंड। द फैक्ट दैट द साउंड कैन बी हर्ड इन वाटर सो रैपिडली इज वेरी इम्पोर्टेंट टू द क्रिएटर इन द सी। और ये किसी भी समंदर या सी के अंदर पानी के जानवर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट, वी कम टू आवर असाइनमेंट। टुडे आई गिव यू सम क्वेश्चन आंसर फॉर योर असाइनमेंट टुडे। माय डियर स्टूडेंट,
आई होप यू विल टेक फुल इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन आंसर एंड डू वेरी रेगुलरली एंड प्रॉपरली सो दैट वी कम टू अवर असाइनमेंट. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज साउंड. यहाँ आपसे पूछा गया है कि साउंड क्या है, हाउ इज इट प्रोड्यूस और ये किस तरीके से पैदा होती है. अगर आपने मेरा लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से सुना है तो यू कैन गिव आंसर वेरी इजली एंड वेरी क्विकली. फॉर योर कन्वीनियंट आई गिव यू हियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो टेक अ लुक ऑफ दिस आंसर. द साउंड इज समथिंग. आवाज कुछ है दैट प्रोड्यूस जो कि पैदा होती है द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स. हमारे ईयर में सेंसेशन करते हुए हियरिंग इन अवर ईयर्स. इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी की एक काइंड है. वी मेक साउंड बाय मेकिंग थिंग्स मूव टू एंड फोर बाय मेकिंग देम वाइब्रेट. और ये हम तक पहुंचती है किसी भी चीज़ को एक दो बार हरकत देने से. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी कम टू अवर सेकेंड क्वेश्चन. माई सेकेंड क्वेश्चन इज कैन साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. क्या आवाज़ जो है वैक्यूम के जरिए सफ़र करती है. एक्सप्लेन बाय एन एक्सपेरिमेंट. हमें ये सवाल जो है एक्सपेरिमेंट के जरिए इसकी वजाहत देनी है और बताना है कि आवाज़ किस तरह वैक्यूम के जरिए ट्रेवल करती है. साउंड डू नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. इट ऑलवेज ट्रेवल थ्रू अ मीडियम. साउंड जो होती है वो किसी भी वैक्यूम के जरिए ट्रेवल नहीं कर सकती. इस ट्रेवल थ्रू अ मीडियम. इसके कुछ मीडियम्स होते हैं. ओके यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी. मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया है कि साउंड के थ्री मीडियम्स हैं और इनमें थ्री मीडियम्स में एयर वाटर और सॉलिड शामिल हैं. सो कम टू योर आंसर. साउंड डू नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. इट्स ऑलवेज ट्रेवल थ्रू अ मीडियम. इस ट्रेवल बेटर थ्रू सॉलिड. और ये ट्रेवल करती है अच्छे तरीके से सॉलिड में एंड लिक्विड. देन इट ऑल्सो थ्रू गैसेस. और गैसेस के जरिए भी ठहरती है. गैसेस में हमारी हवा शामिल है. अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. यू विल नीड एन इलेक्ट्रिक बेल बैटरी अ बेल जार अ वैक्यूम पम्प. कनेक्ट द बेल टू द बैटरी सो दैट इट स्टार्ट रनिंग. Arrange the bell jar around the bell and connect it to a vacuum pump. Start the vacuum pump so that it start evacuating air from the bell jar. Keep on observing the sound of the running bell all the time. हम ये देखेंगे. बस सही है. माई डियर स्टूडेंट आपने हमारे ये एक्सपेरिमेंट सुना कि हमने किस तरीके से बेल जार के ज़रिए आपको बताया. नाउ हियर आई गिव यू सम इंस्ट्रक्शन. माई डियर स्टूडेंट इट्स योर फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ मंथ ऑफ जैन. सो यू मेक अ टाइटल पेज एंड मेक अ टाइटल पेज ऑफ योर यूनिट नंबर 14. और स्टूडेंट ये काम आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान से करिएगा और बहुत अच्छी तरीके से करिएगा. और जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो लाके ज़रूर चेक कराएं. अल्लाह हाफिज़.